अस्सलामुअलैकुम एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग हैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल हैरियत से हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज का हमारा स्पेशल किस्म का व्लॉग है, क्योंकि आज का वेदर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का वेदर है, जो कि देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको पता है वीकेंड भी स्टार्ट है, तो इस सिलसिले में काफ़ी सारे टूरिस्ट भी माल रोड पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो मुझे फिल देखने को मिल रहे हैं। इतना आज टूरिस्ट का रुझान मरी के अंदर है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 12 बजे के करीब आपका ये व्लॉग शूट हो रहा है, इसलिए इतना रोड पे माल रोड के ऊपर आपको टूरिस्ट नहीं देखने को मिल रहे होंगे। वो होटल्स में हैं अभी, और कुछ ही देर में वो निकल रहे होंगे आगे मरी के इर्द गिर्द जो और खूबसूरत इलाके हैं, लाइक अयूबिया, पत्रियाटा, चेयर लिफ्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। मरी में बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं, वहाँ पर निकल रहे होंगे। सो इवनिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है। आज हम सुबह सुबह व्लॉग शूट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा कल का व्लॉग होगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, वो जो है हम इवनिंग में शूट कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में हम चलते हैं माल रोड के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपको विज़िट करवाते हैं। ये जो खूबसूरत किस्म का वेदर है, यकीन करें ऐसा फील हो रहा है कि यार आज तो स्नोफॉल हो के रहेगी। ये तो हमें पूरा मंथ ही ऐसा रोज़ाना फील होता रहेगा, क्योंकि रोज़ाना मरी का वेदर ऐसा ही खूबसूरत किस्म का वेदर होगा, जो कि देख के बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। और यकीन करें आज मुझे व्लॉग शूटिंग में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको जैसा कि पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि यार आप लोगों की वजह से, आप टूरिस्ट की वजह से ही मरी अच्छा लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता। जस्ट इंसानों से ही जो रौनक होती है वो होती है, घर में मेहमान आते हैं तो तभी रौनक होती है। इंशाल्लाह हम आप लोगों के मेज़बान हैं, हम हर चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं इस दफ़ा। आपको तो पता है अब डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, जैसा कि लास्ट ईयर आपको मसाइल देखने को मिले थे, इस दफ़ा नहीं देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जैसा कि आपने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि यार वो माल रोड के नीचे एक लोअर बाज़ार है, इसका व्लॉग हमसे शेयर करना है। सो कल मैंने वो शूट तो किया है, लेकिन साथ मेरा एक शरारती फ्रेंड था, हम लोग बाइक पे थे और मेरे हाथ में सामान भी बहुत ज़्यादा था। वो रफ़ सा ही शूट हुआ है, लेकिन रफ़ सा व्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, और एक इस पर नीट सा व्लॉग भी हम ज़रूर शूट करेंगे। रफ़ सा कभी जिस दिन मार रोड का व्लॉग शूट ना किया उस दिन आपके साथ शेयर हो रहा होगा, जैसा कि एक वो हमने लार्नस कॉलेज वाली रोड जो है, जीका गली और जीटी रोड को कनेक्ट करने वाली जो रोड है, उस पर एक व्लॉग बनाया था। उसको भी अपलोडिंग में काफ़ी देर हो गई थी, बहुत खूबसूरत था वो व्लॉग यार, वो बहुत मज़ा आया मुझे शूट करते हुए, और आप लोगों को देखने में भी उसको बहुत मज़ा आया, जैसा कि कमेंट सेक्शन से हमें पता चल रहा है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला, उनके लिए मैं एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। देखें बहुत खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं मरी के अंदर, जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक ना, तो वो हमारी फ़र्स्ट एक्सप्लोरिंग वीडियो थी, बहुत मज़ा आया उसको शूट करते हुए। बहुत अच्छी अच्छी जगह उस व्लॉग में हमें देखने को मिली। इंशाल्लाह हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस पर क्रिएट कर रहे होंगे। बकाया यार आज का वेदर देख के मुझे वो अपने स्कूल कॉलेज लाइफ याद आ रही होती है, कि स्कूल कॉलेज से आके मैं बैग यूँ फेंक रहा होता हूँ ऐसे मौसम में, बैग एक साइड पे फेंक के मैं जस्ट अपने कज़न्स के साथ जो है वो मरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता था। उस टाइम पे मेरे यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था, तो हम बड़े मज़े से ये जो मरी के अंदर जंगल हैं इनमें घूमते फिरते थे, और बड़े अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लोर करते थे। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं यार, बहुत मज़ा आता था। अब तो हम लोग बड़े हो चुके हैं, कुछ कज़न्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ की अपनी दुकानें, तो मैं जो हूँ वो यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं होता। लेकिन बड़े मज़े की लाइफ थी यार वो, ये जो एक्सप्लोर चीज़ें एक्सप्लोर करने की में जो मज़ा है ना, वो आई थिंक किसी चीज़ में भी नहीं है। सो इंशाल्लाह अब हम लोग अपना कोई फ्रेंड ढूंढते हैं यूट्यूब पे साथ, और इंशाल्लाह हम मरी के ये जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं इनको इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे होंगे। बकाया आज टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रुझान है यहाँ पे, जिसकी वजह से रूम रेंट काफ़ी पीक पे भी चला गया हुआ है, तकरीबन 3000 चल रहा है आज माल रोड के ऊपर मौजूद होटल में। वैसे कल के व्लॉग में तो आपने देखा था कि मुझे 600 में भी माल रोड के ऊपर
रूम मिल रहा था, जो कि यार एक अजीब सा मैं समझ रहा था कि यार 600 में कैसे मिल सकता है। मैंने उस भाई को कहा, यार क्या कह रहे हो 600 में? वो कहता है चलो आओ दिखाऊं, रूम दिखाऊं। मैंने कहा नहीं यार, मैं बेसिकली हूँ यहाँ से, मेरा अपना घर है। तो बकाया आप देख रहे हैं, दरख्तों से पत्ते झड़ चुके हैं, बस स्नोफॉल का इंतज़ार है। काफ़ी ये पत्ते आप नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए देख रहे हैं, जिसकी सफाई अभी की जा रही है। और इसके अलावा आगे कैंट एरिया में भी चलते हैं, वहाँ का भी इन चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा मौसम है, कैसे खुशी के मनाजिर हैं। बकाया ये जो माल रोड के ऊपर मौजूद होटल आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनका वीकेंड पे 3000 रूम रेंट चल रहा है। यानी आज का दिन और कल का दिन 3000 में आपको यहाँ पर ईजीली रूम जो है वो मिल सकता है। भाई जी वेदर चेक करो, यहाँ से आई थिंक आपको वेदर जो है वो अच्छा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी काफ़ी आज हमें मरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा यार, ये माल रोड से नीचे ये है लोअर बाज़ार, इसको कल एक्सप्लोर करते हुए बड़ा मज़ा आया, लेकिन मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था वो ज़रा शरारती था, इसलिए काफ़ी मज़ा आया इस व्लॉग को शूट करते हुए। इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ शेयर हो रहा होगा। इसमें ये है ना, ये बहुत पुराना बाज़ार है, यानी कि हर चीज़ पुरानी है इसमें, दुकानें वगैरह पुरानी, एक पुराना ज़माना देख के याद आ रहा होता है, अभी भी ये बहुत पुराना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, चारों तरफ सूरज का नामो निशान नहीं है, कुछ भी सूरज के नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए आज ऐसे फील हो रहा है कि इवनिंग में हो जाएगी स्नोफॉल, अल्लाह करे बस हो ही जाए। यार आप लोगों के साथ रह रह के हमें स्नोफॉल से बहुत लव हो चुका है। जो लोग ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि मुझे मौसम सरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से हम लोग आपके साथ टच हुए यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तब से यार मैं भी एक्सप्लोर करके बड़ा मज़ा आया। मुझे भी पता चला कि यार मरी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा। और अब जो है वो मैं तकरीबन फ्यू वीक्स हो गए, 3-4 वीक्स हो गए, मैं स्नोफॉल का काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि यार हो जाए। पुरानी वीडियोस जो हैं गैलरी में, उनको मैं बार बार वॉच कर रहा होता हूँ, बस बहुत याद आती है स्नोफॉल जो लास्ट ईयर हमने देखी ना, जस्ट आप लोगों की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों की वजह से हमने भी स्नोफॉल को बहुत इंजॉय किया लास्ट ईयर। अच्छा यार, कुछ यहाँ पे हम लोग आगे कैंट एरिया में डिस्कशंस करके अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रहे होंगे। ये मरी की काफ़ी ओल्ड पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इस फ्रेम में लगी हुई हैं, काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू फैमिली मेम्बर्स रोज़ाना की बेस पे हमारे चैनल में ऐड होते रहते हैं, सो उनके लिए ये 2000 से 2021 की पिक्चर्स हैं। ये मरी की एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, जीपीओ चौक से नीचे, ये जो लोअर बाज़ार की भी डिस्कशंस हो रही थी। और अगर हम इससे ज़रा ओल्ड जाएं, यानी कि 1947 से 2000 तक, तो वो ऐसी पिक्चर है, ये जीपीओ है। ओल्ड मरी भी अच्छा था यार, और जैसे जैसे न्यू की तरफ हम जाते जाते हैं, हर चीज़ अपडेट होती जा रही है। ये जीटी रोड है ये, और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें, यानी कि 1853 से 1947 तक, तो वो ये हैं यार, ये बहुत ही ओल्ड हो जाता है। उस टाइम पे कैसा था, पिंडी पॉइंट टू लार्नेस कॉलेज पाथ, ये कोई कच्चा रास्ता होगा लार्नेस कॉलेज की तरफ जाने का, पिंडी पॉइंट से वो जीका गली चौक है यार, वो देख। चलें चलते हैं आगे, ये पाकिस्तान से भी बनने की पुरानी पिक्चर्स इस फ्रेम में फिट की हुई हैं, तो बड़ा अच्छा है यार, पुरानी पिक्चर्स भी और नई पिक्चर्स भी देख के कंपैरिजन हो रहा होता है। बकाया मौसम काफ़ी अच्छा है यार आज का, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि वीकेंड की वजह से आज हमें यहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस एरिया में हमें टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहे होते, क्योंकि शायद इन लोगों को पता ही नहीं है यार माल रोड इससे भी आगे है, यहाँ से पिंडी पॉइंट तक रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे होते हैं। बकाया यहाँ पर आगे एक न्यू फ्रेम डिज़ाइन हो रही थी, वो मैंने उसकी पिक्चर ली, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँगा,
देखें जब ये न्यू फ्रेम बन चुकेगी ना तब कैसा मंज़र होगा, और अभी बनते हुए इसका मंज़र कैसा था आप देखते हैं इंशाल्लाह। जब न्यू बनेगी ना, बन के कंप्लीट हो जाएगी, तो तब भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे हम। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आज का व्लॉग काफ़ी हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।